कहते हैं कि इंसान हर कर्ज को उतार सकता है, लेकिन माँ की ममता का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। आज पीएम नरेंद्र मोदी भले ही दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक हैं, लेकिन उनका बचपन बहुत अलग रहा, जिसमें गरीबी थी, बेबसी थी और उससे लड़ने वाली उनकी माँ थी। परिवार गरीब था और उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी नरेंद्र भाई की माँ हीराबा पर थी। उन्होंने दूसरों के घरों में पानी भरने से लेकर बर्तन बांधने तक का काम किया। हीराबा ने अपनी हिम्मत की पीठ पर जिम्मेदारी को लादा और अपने हाथों को बच्चों के पेट भरने का जरिया बनाया। परिवार के हर एक मुश्किल का डटकर सामना किया, लेकिन बच्चों के सामने अपने चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने दी। मेहनत से एक एक पाई कमाकर बच्चों को पढ़ाया, लिखाया और शिक्षित बनाया। लेकिन चाहे कितना भी संघर्ष हो, जीवन में कभी किसी से उधार लेने के लिए हाथ नहीं फैलाया। आज हम आपको नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनाने वाली उनकी माँ हीराबेन मोदी से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी कहानियां बताएंगे जो सुन के आपकी आंखों में आंसुओं की धार बह जाएगी। मगर उससे पहले नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पीएम मोदी की माँ हीराबा का जन्म पालनपुर में हुआ था। महज 15 से 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई और शादी के बाद वो पति के साथ वडनगर में रहने लगी थी। बचपन से ही घर की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्हें कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो हमेशा चाहती थीं कि उनके सभी बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित बने। इसलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरों के घरों में पानी भरने और बर्तन मांजने जैसे काम भी किए थे। वहीं अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर वो चरखा भी चलाया करती थीं और उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास से रुई निकालने का काम और रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ हीराबा खुद ही करती थीं। हालांकि उन्हें पैसों की कीमत बहुत अच्छे से मालूम थी। 5 रुपए हो या 1 रुपया, वो कम से कम पैसों में घर खर्च चलाना काफी अच्छे से जानती और समझती थी। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। उनके व्यक्तित्व में ईमानदारी कोट कोट कर भरी थी। उनके बेटे प्रहलाद मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान हीराबा के व्यक्तित्व से जुड़े एक किस्से का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि जब हमारा बड़ा भाई बाहर से किसी की दी हुई कोई चीज लेकर आता तो माँ उसे फटकार लगाते हुए वो चीज लौटाने के लिए भेज देती। उन्होंने कभी किसी के सामने पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाया, ना कभी कर्जा लिया। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही संस्कार दिए और शायद हीराबा की इसी ईमानदारी के बदौलत आज एक बेटा देश का प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी बताते हैं कि उनका बचपन काफी गरीबी में बीता। बारिश के मौसम में उनके मिट्टी के घर के लिए मुसीबत बनकर वो आती थी। बरसात के दिनों में छत टपकती थी, पूरे घर में पानी भर जाता था और माँ हीराबा बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए टपकती हुई छत के नीचे बर्तन रख देती थी। और ये आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगले कई दिनों तक घर के कामकाज में इसी पानी का इस्तेमाल किया करती थी, क्योंकि उन्हें चीजों का व्यय करना पसंद नहीं था। उन्हें घर में साफ सफाई रखना बेहद पसंद था। वो बिस्तर पर धूल का कण भी बर्दाश्त नहीं करती। हल्की सी सिलवट का मतलब थी चादर को झाड़ा जाएगा और फिर बिछाया जाएगा। मोदी बताते हैं कि हम सभी भाई बहन माँ के आदत से वाकिफ थे, इसलिए घर में जितनी हो सके उतनी सफाई रखते थे। हीराबेन से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि वो हमेशा अपनी साड़ी में एक रुमाल रखती थी और इसकी वजह भी उनकी साफ सफाई की आदत से जुड़ी हुई है। दरअसल जब भी हीराबेन को किसी भी चीज पर धूल मिट्टी का एक कण भी दिख जाता तो वो साड़ी से अपना रुमाल निकाल कर उस चीज को साफ करने लग जाती। माँ के यही संस्कार नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में भी झलकते हैं। वो बचपन से साफ सुथरे कपड़े पहनना पसंद करते हैं और हमेशा टिप टॉप कंडीशन में रहते हैं। हीराबेन और दामोदर दास मोदी के कुल 6 बच्चे थे, जिनमें सोमा भाई, अमृत भाई, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद भाई, बसंती बेन और पंकज मोदी शामिल हैं। हीराबेन अपने सभी बच्चों से काफी प्रेम करती थी।
वो उनकी बातें कहे बिना ही समझ जाती थी। नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में माँ से जुड़ा एक किस्सा बताते हुए लिखा था कि पिताजी की इच्छा पर एक बार हमारा परिवार पूजा के लिए नर्मदा घाट गया था। तेज गर्मी में 3 घंटे का सफर पैदल तय करना आसान नहीं था, फिर भी हमने धीरे धीरे नर्मदा किनारे चलना शुरू किया। इस दौरान माँ ने हमारी बेचैनी को देख लिया और पिता से कहा कि अभी हमें कुछ देर रुककर आराम करना चाहिए। फिर उन्होंने पिताजी से कहा कि कहीं से गुड़ लेकर आइए। वो भी दौड़ते हुए गए और किसी तरह थोड़ा गुड़ लेकर आए। फिर माँ ने हमें गुड़ खिलाकर पानी पिलाया, जिससे हमें ताकत मिली और हम फिर पैदल चलने लगे। इसी तरह हीराबेन कई घरेलू नुस्खे भी जानती थी और न सिर्फ घर में बल्कि पूरे गांव में कोई भी बच्चा बूढ़ा बीमार होता तो वो उन्हें उस बीमारी को ठीक करने का घरेलू नुस्खा बताती, जिससे गांव के काफी लोग स्वस्थ भी हो जाते। इसलिए गांव में उन्हें देसी माँ और डॉक्टर कहकर भी पुकारा जाता था। इन्हीं आयुर्वेदिक नुस्खों की बदौलत 100 साल की उम्र में भी हीराबा धीरे धीरे चल फिर पाती थी। हीराबा समय की बहुत ही पाबंद थी। वो हमेशा से सुबह 4 बजे उठ जाती थी। उन्हें नरसिंह मेहता के भजन सुनना काफी पसंद था। नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी बताते हैं कि माँ सुबह शाम दिन में 2 बार कुएं से पानी भरकर लाती थी और कपड़े धोने के लिए तालाब के पास जाती थी। आप में से काफी कम लोग ये बात जानते होंगे कि मोदी के दोस्त अब्बास ने उनके घर में रहकर ही पढ़ाई अपनी पूरी की थी। अपने सभी बच्चों की तरह हीराबेन अब्बास की भी देखभाल करती थी और ईद के मौके पर हीराबा अब्बास के पसंदीदा पकवान बनाती थी। गाँव के लोग हीराबेन मोदी को अन्नपूर्णा माताजी का अवतार भी मानते थे, क्योंकि जब भी उनके घर के आसपास से कोई साधु संत गुजरता तो वो उन्हें बुलाकर भोजन करवाती थीं। फिर जब वो साधु जाने लगते तो हीराबा अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगती। हीराबा को गीता, महाभारत और रामायण का काफी ज्ञान था। अपने पीएम मोदी के भाषणों में कई बार सुना होगा कि वो दिन में 18-18 घंटे काम करते हैं और हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। वह काम से न थकने की ये सीख भी नरेंद्र भाई को अपनी माँ हीराबेन से ही मिली है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक माँ न सिर्फ अपने बच्चों को जन्म देती है बल्कि उनके दिमाग, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को भी आकार देती है, और मुझे कोई संदेह नहीं है कि मेरे चरित्र और जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है। बताया जाता है कि आध्यात्म की खोज में जब नरेंद्र मोदी ने कुछ सालों के लिए घर छोड़ दिया था तब हीराबेन काफी दुखी रहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि मेरा बेटा जहां भी रहे बस अच्छा काम करता रहे और हमेशा खुश रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब नरेंद्र मोदी बताए बिना चले गए तो 2 साल तक मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। पहला तो मुँह मगज मैं थी जी तुम्हारू ये गयो ना, मैंने खबर नहीं एने कीधा बिना निकली गयो, पर मारू मगज मैं थी गयी तू 2 वर्ष हूँ गोड़ी थी गई थी, बिल्कुल खबर नहीं पड़ती। 1992 में जब नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एकता यात्रा करके वापस लौटे थे तब हीराबेन नरेंद्र मोदी के साथ पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा बनी थी। दरअसल लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद जब मोदी अहमदाबाद लौटे तब नागरिक सम्मान कार्यक्रम में स्टेज पर आकर बेटे नरेंद्र मोदी को विजय तिलक उन्होंने लगाया था, जिसके 9 साल बाद जब 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी तब हीराबा उनके साथ दूसरी बार सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। कहते हैं बेटा कितना भी बड़ा हो जाए वो माँ के लिए तो छोटा बच्चा ही होता है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने माँ के सामने एक बच्चे की तरह ही रहते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी करीब 15 बार अपनी मां से मिले थे और जब भी वो हीराबा का आशीर्वाद लेने जाते थे तो वो उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाती और फिर रुमाल से मुंह पोंछती थी। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की झलक देखने के लिए तरस रही थी तभी मोदी सब कुछ छोड़कर माँ का आशीर्वाद लेने अपने घर पहुंचे थे। वहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने की शपथ लेने के कुछ दिन पहले भी वो हीराबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, तभी हीराबा ने उन्हें शगुन के तौर पर 101 रुपए दिए थे। फिर जब मीडिया रिपोर्टर्स इंटरव्यू लेने उनके घर पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि मुझे यकीन था मेरा बेटा प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। बनवानो, बनवानो, बनवानो।
उस इंटरव्यू में हमने देखा था कि हीराबा एक 10x10 के कमरे में रहती थी। वहीं उन्होंने एक छोटा सा मंदिर भी बनाकर रखा था। 10x10 के कमरे में रहती है, ये कमरा है जहाँ पर नरेंद्र मोदी की माँ रहती हैं और नरेंद्र मोदी यहीं पर उनसे मिलने के लिए आते हैं। ये मंदिर बना रखा है उनकी माँ ने यहीं पे। आपका कमरा ये है, अम्मा जी यहाँ रहती है। हमारा भगवान जो आप भगवान दे बहुत धन है, दर्शन कर सुनवाई हुई है। मई 2016 में हीरा बेन कुछ दिन अपने बेटे नरेंद्र मोदी के दिल्ली पीएम आवास पर रही थी, जिसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उसी साल जब काले धन का सफाया करने के लिए पीएम मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तब करीब 94 साल की उम्र में हीराबा खुद अपने पुराने नोट बदलवाने गांधीनगर बैंक पहुंची थी, जो इस बात का सबूत था कि वह हर फैसले में अपने बेटे को सपोर्ट करती है। 18 जून 2022 के दिन हीरा बेन मोदी का